हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं अवध विश्वविद्यालय के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेके। मतलब हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स कब होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब ओवरऑल हम एमएड में एडमिशन की प्रोसेस को समझेंगे अवध विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो देखिए, अवध विश्वविद्यालय खुद का अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। जिन बच्चों को अवध विश्वविद्यालय से एमएड करना है उनको विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म संभवतः अप्रैल में जून समय अच्छा खासा रहता है, मतलब एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म की पीरियड रहती है, फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो अप्रैल में अप्रॉक्स मान लेते हैं, अप्रैल या मई में फॉर्म भरना शुरू होता है। तो आप फॉर्म भरेंगे, एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से समझना पड़ेगा कि अगर आप लास्ट डेट तक फॉर्म नहीं भर पाते। देखिए, सबसे पहले विश्वविद्यालय फॉर्म निकालती है, एक लिमिट डेट रहता है। कई बार विश्वविद्यालय इस डेट को आगे बढ़ाता है कि जो बच्चे छूटे हैं वो भी फॉर्म भर लें। अगर उसके बाद भी कोई बच्चा फॉर्म भरने से रह जाता है तो यकीन माने फिर एमएड एडमिशन लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो फॉर्म भरना मैंडेटरी। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में टोटल 200 नंबर के सवाल होते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और आपको 180 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, 1.5 घंटे में 200 क्वेश्चन। पिछली बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, शायद इस बार भी ना हो। उसके बाद विश्वविद्यालय एक रैंक डिसाइड करती है कि इन बच्चों का इतना रैंक है, इन बच्चों का इतना रैंक है। अगर हम पिछली बार के अनुभव से बात करें, पिछली बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो अगर आपका 130 नंबर आ जाता है 200 में तो बहुत अच्छा रैंक हो जाएगा, आप कंफर्टेबली एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रैंक डिसाइड होने के बाद विश्वविद्यालय कॉल करती है, मतलब एक नोटिस जारी होता है, एक पीडीएफ शेयर करती है विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पे, जिस पे कॉल जाता है बच्चों के लिए, मतलब जिन बच्चों का 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 30 तक, ऐसे यूनिवर्सिटी रैंक देती है कि 1 से 30 तक जिन बच्चों का रैंक है उनका इस दिन काउंसलिंग होगा। तो वो बच्चे काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे विश्वविद्यालय से। अगर उनका रैंक 1 से 30 या 1 से 50 के बीच में आता है, विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में जाएंगे, वहाँ पे फीस, एक काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होती है। फिर वहाँ से कॉलेज अलॉट होता है, उस कॉलेज में आप जाएंगे, अपना कंप्लीट फ़ीस जमा करेंगे और इस प्रकार से आपका एमएड शुरू हो जाएगा। पहली शिफ्ट ख़त्म होने के बाद फिर दूसरे शिफ्ट के लिए कॉल जाता है कि जिन बच्चों का 30, 31 से लेके 100 तक या फिर 51, वो विश्वविद्यालय डिसाइड करती है। फिर थर्ड कॉल जो होता है, संभवतः 3 बार काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, उसके बाद हर एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा और एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो उनका तो रैंक बहुत लास्ट में हो जाएगा, तो उन बच्चों का नहीं हो पाता। ये फैक्ट है कि उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर आपने बीएड अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इतना तो आ जाता है कि आपका एडमिशन हो जाए, इजिली एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सब जानना चाहेंगे वो ये है कि एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या होते हैं, क्या मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या साइंस से क्वेश्चंस, ईवीएस से क्वेश्चंस, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको पिछले साल का सिलेबस दिखाता हूँ। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो पिछले साल के विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई सूचना है, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं। तो ऊपर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि एमएड एलएलबी 3 वर्ष या वो डेटा बताया गया है। इन सभी पाठ्यक्रम से प्रवेश परीक्षा के अनुसार कुछ सूचनाएं दी गई। मेन आपको यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे बच्चों आपके विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में देखिए। कहा गया था पिछली बार कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम विल बी 180 मिनट्स, इट मीन्स 1.5 घंटे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स and there will be no negative marking. The number of questions syllabus for the entrance test of the above programs are mentioned in the given below. अब जो numbers of questions होंगे या जो syllabus होंगे वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर हम एमएड की बात करें बच्चों, तो एमएड के syllabus आपके स्क्रीन पर हैं। चलिए, अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे, तो आप पाएंगे
कि एमएड में द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल बी 200, मतलब 200 टोटल क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे आपके दिए गए हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इसको देख लेते हैं। आप अगर टॉपिक देखेंगे बच्चों, पहला टॉपिक शिक्षा दर्शन, ठीक है, एजुकेशनल फिलॉसफी पे आपके 10 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, संभावना मैं बता रहा हूँ। आपसे मान लीजिए पूछ लिया आदर्शवाद से संबंधित, यथार्थवाद से संबंधित, या फिर इसके अलावा शिक्षा दर्शन में पूछ लिया। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि मान लीजिए शिक्षा की किसी की परिभाषा दे दी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या सर्वगीण विकास, यह कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या फिर रूसो। तो एक विकल्प यहाँ तो महात्मा गांधी सही होगा। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ लेगा, कोई भी दे देगा, ठीक है। शिक्षा दर्शन से आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। शिक्षा का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र शिक्षा, ये एजुकेशन सोशियोलॉजी बहुत आसान है, बहुत इससे बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कुछ परिभाषा पूछते हैं, या फिर शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या मतलब है, एजुकेशन साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, नीचे नहीं नहीं क्या समझते, नीचे विकल्प दे देगा उसमें से कोई। समाज का विज्ञान है, समाज परिवर्तन है, समाज को सुधार करें, उपरोक्त सभी कुछ भी दे सकता है। तो दूसरा आपका पॉइंट है बच्चों, शैक्षिक समाजशास्त्र यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब आइए शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपको थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर मिल गए, यहाँ पे आपको जीन पियाजे मिल गए, तो यहाँ से 10 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलिए शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब मान लीजिए कि आपके जो भी टीचिंग एड्स होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो इस प्रकार से अब सवाल तो विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा, लेकिन हाँ मैं अपने अनुभव के आधार पर कह दूँ कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से अपना बीएड पढ़ा है ना, बहुत आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है बच्चों, भारतीय शिक्षा का इतिहास। अब भारतीय शिक्षा के इतिहास में अक्सर बच्चों फिक्स है कि ये सवाल तो पूछे ही जाते हैं। NEP से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सवाल पूछे जाते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में पूछ लिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से सवाल उठा लिया, इससे सवाल उठा लेते हैं। या फिर अगर मान लीजिए इनका मन करे तो वैदिक काल, बौद्धिक काल, क्योंकि ये सब क्या है बच्चों, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न उठा लिया। मेघालय का तो यहाँ से प्रश्न उठा लिया, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम के बारे में पूछ लिया गया, लचीला पाठ्यक्रम या फिर वो तो विश्वविद्यालय, लेकिन मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ कि पाठ्यक्रम का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो अक्सर आपको विटामिन से प्रश्न मिलेंगे, विटामिन किस कमी से, कौन सी कमी से, कौन सा रोग होता है विटामिन की कमी से, विटामिन कहाँ से, स्रोत क्या होता है, तो इस तरह के अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य शिक्षा की महत्व क्या है, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा, इससे भी 10। पर्यावरण के बारे में भी दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखेंगे कि शिक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन, इसका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से सवाल पूछा जाता है कि मैनेजमेंट का क्या कार्य होता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कार्य होता है, कोई समस्या दे दी गई है इसमें इसके उपयोग क्या होता है, तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आसान आएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगला बच्चों शिक्षा के मापन एवं मूल्यांकन, मापन की आवश्यकता क्यों है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, बहुत डीप नहीं जाता है बट नॉर्मल पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से मापन और मूल्यांकन से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे शिक्षण अभिरुचि परीक्षण, शिक्षण अभिरुचि परीक्षण से 50 प्रश्न, और 50 बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इस पर थोड़ा सा अभी लास्ट में बात करेंगे, पहले और पॉइंट को देख लें। शोध एवं अभिरुचि परीक्षण, शोध एवं अभिरुचि परीक्षण का मतलब थोड़ा सा शोध के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई इस सिचुएशन में वो शिक्षक कैसे बिहेव करेगा, तो वो थोड़ा सा ना वो समझ लीजिए रीजनिंग टाइप का, मतलब मेंटल एबिलिटी टाइप का, कि आप उस समय सोच के जवाब देते हैं। इसकी कोई खास सिलेबस तो नहीं हो सकती, आपके सोच पे कि इस प्रकार के बच्चों को आप कैसे डील करेंगे, यानी कि शोध अभिरुचि परीक्षण के आधार। तार्किक शक्ति, ठीक है बच्चों, रीजनिंग यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, सामान्यतः रीजनिंग प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछ लिए जाएंगे, और सामान्य ज्ञान पूछ लिए जाएंगे। ये जो सेक्शन है बच्चों, तार्किक परीक्षण, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, मैथ के 2-4 प्रश्न जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत पूछ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी वर्ग की भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया, तो उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इसी में से करंट अफेयर्स में या फिर तार्किक परीक्षण में पूछ लिया जाएगा। या फिर मैथ के किसी सवाल पूछ लिया गया कि आपके मतलब किसी लड़की के भाई के पापा के मम्मी के चाचा का
ये संबंध क्या है, तो संबंध से संबंध तार्किक परीक्षण में इसी प्रकार से प्रश्न। तो ये जो है बच्चों ये बिल्कुल अच्छा होता है कॉमन सेंस का, इससे सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में कुछ भी अभी जो रिसेंटली चल रहा है उसके बारे में 10 प्रश्न। और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में क्या पूछ सकता है, प्रसिद्ध नृत्य डांस कहाँ का फेमस है, यह डांस कहाँ का फेमस है, कौन सा फल या फिर भोजन पदार्थ कहाँ का फेमस है, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछी जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे अभिरुचि परीक्षण, ठीक है, अब बिल्कुल ये वही है जैसे सीटेट के पैडागोजी में पूछा जाता है या फिर यूपीटेट के पैडागोजी में पूछा जाता है कि उस सिचुएशन पे टीचर को क्या डील करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, शिक्षक ऐसा कर रही है या शिक्षिका ऐसा कर रही है, तो निम्नलिखित का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या तर्क है। तो ये बिल्कुल आपके जनरल टाइप के क्वेश्चन है जैसे CDP में पूछे जाते हैं, उस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखा आपने सिलेबस समझ में आई, टोटल आप देखेंगे 15 पॉइंट है बच्चों, 15 में से 13 के 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक का इकलौता 50 प्रश्न और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे, ठीक है। आप एक काम करिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिएगा, ओके। और स्क्रीनशॉट में मुझे पता है आप मुझे क्रॉप कर देंगे और केवल ये अपने पास रखेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए, अब इसी आधार पर आप तैयारी करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे चैनल पर, आप चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो, पिछली बार के जो एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो मैंने अपलोड किया, इवन मैंने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आंसर किया था उसको भी मैच करा के, मतलब पूरे सॉल्यूशंस के साथ मैंने अपलोड किया। तो इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा और सिलेबस अपने पास रखिएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा बहुत डेली, जैसे इसमें से शिक्षा दर्शन के हमने 50 प्रश्न एक दिन में देख लिए, शिक्षा का समाजशास्त्र एक दिन 50 प्रश्न देख लिए, तो अगर हम इस प्रकार से देख लेते हैं तो कुछ हद तक हमारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो दोस्तों ये थी टोटल MED एंट्रेंस एग्जाम के संबंधित जानकारी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि मैंने सारी चीज़ को कवरअप कर दिया। अगर फीस की बात करें बच्चों तो पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम्स का 1000 रुपये फीस लगा था, हाँ 1000 ही लगा था, और कोई चीज़ और डॉक्यूमेंट्स तो यूनिवर्सिटी खुद बताती है कि फिर उस वक्त में क्या लेके जाना है। तो एग्ज़ाम्स कब होगा, पहले तो फॉर्म आ जाए, फिर फॉर्म कंप्लीट होगी, अच्छा खासा टाइम रहता है। तो इस प्रकार से आपका MED में एडमिशन्स का प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी, कम से कम सारी क्वेरीज आपके क्लियर हो चुके होंगे MED के एंट्रेंस एग्जाम्स या एडमिशन के संबंधित। तो जिन बच्चों का मन हो एडमिशन लेने का या फिर जो अभी थोड़ा से सस्पेंस में हो, फॉर्म आप सब भरेंगे, अभी फॉर्म आई नहीं है, जैसे ही आती है बताया जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं उसको देख लीजिएगा, वो पेपर समझ में आ जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपने सावधानी के साथ इस बार के, मुझे लगता है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसने कम से कम CTET का पेपर तो दिया होगा, राइट। और आपने अगर CTET का पेपर दिया है तो यकीन मानिए इसी तैयारी को थोड़ा कंटिन्यू कर दीजिए, अच्छे से निकल जाएगा, आपको इतना सोचने वाली बात नहीं है। और उसके बाद UPTET की तो तैयारी आप करेंगे ही करेंगे, बस निकल जाएगा, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, MED का एडमिशन आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही, बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में यही समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि MED में एडमिशन्स के संबंधित आपकी जो भी समस्याएं थी वो इस वीडियो के बाद समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अगर कोई समस्या रहती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नहीं जुड़े हैं अभी तक फिर भी शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्लिक करके ये घंटी वाले को भी दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई आपका संबंधित दोस्त अगर हो जिसे इसके संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उसे भेज सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा BEd कर रहा हो तो उसे मेरी यह वीडियो या फिर मेरे चैनल को रेकमेंड कर सकते हैं, कुछ अच्छा ही मिलेगा। मेरे चैनल से अगर कोई बच्चा जुड़ा रहे BEd वाला तो उसे कुछ अच्छा ही मिलेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं हर संभवतः आपकी मदद करूँगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, चलते हैं हम, जय हिंद जय भारत।